अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, योर स्किल में आपको खुश आमदेद। आज एक नई चीज़ मैंने देखी, एक किसी ने नया आइडिया लॉन्च किया है मार्केट में, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसे। तो उस आइडिया के ऊपर कुछ अरसा पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त राना नसीर साहब, ये और मैं उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन हमारे पास वसाइल ना होने की वजह से तो वो एंड दी एंड जा के हम उसको रोक देते थे उसको, कि यार ये तो हमारे पास एक वसाइल की भी कमी है और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो इसको डेवलप कर सके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हम दोनों नहीं हैं, तो कंप्यूटर के तो माशाल्लाह ये थोड़े से माहिर हैं, तो वो आइडिया जो है वहीं पे रह जाता था। लेकिन जिस बंदे ने ये बनाई उसके पास जहन था, अल्लाह पाक ने उसको जहन दिया, उसने मार्केट में इसको लॉन्च किया। और जनाब, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे वाचर हैं, देखने वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि YouTube की तरफ से जो मुझे टास्क दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये सब कुछ अल्लाह की मदद और आपकी सपोर्ट के बाद हासिल हुआ है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस दिन के इंतज़ार में था कि जिस दिन मेरा टास्क पूरा होगा, मेरे पास दो तीन यूनिक आइडियाज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो मैंने कहा जिस दिन ये टास्क पूरा होगा उस दिन मैं आप लोगों के साथ ये आइडियाज़ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह उनके ऊपर काम जारी है, जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप सब लोगों का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह की मदद से और जो है आप लोगों की सपोर्ट के बाद ये सब कुछ मैं हासिल कर चुका हूँ। इतनी जल्दी मैंने अपना टास्क जो है कम्प्लीट कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नीचे जो कमेंट आते हैं, लोग मेरी वीडियोस को भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह जो है अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहेंगे, मैं अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये है जनाब सुपर टास्कर, ये सुपर टास्कर ऐप उन्होंने लॉन्च की है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल कॉमन मैन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहले ऐसे होता था, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, किसी प्लम्बर की ज़रूरत है, या आपको घर में सफाई करवानी है या कुकिंग करवानी है, आपको घंटे दो घंटे के लिए कोई बंदा चाहिए होता था, तो वो अपनी मर्ज़ी की डिमांड करते थे, इतने पैसे हम लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के पैसों में अपना काम करवा सकते हैं। वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज की बात यह है मेरे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। हम सबको अब सोचना चाहिए, जिस पर अल्लाह की लानत हो जाए तो उसका क्या बचेगा। तो लिहाजा जो है हम सबको झूठ से बचना चाहिए। हम इसको मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी लानत है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके अंदर जो इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 13 कैटेगरियाँ हैं, 13 कैटेगरियों के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ मौजूद है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन, गार्डियन यानी कि माली वगैरह, और क्लीनर सफाई के लिए, पिक एंड डिलीवरी, ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइल, हैंडीमैन यानी कुक, और कार वॉश, पेंटर, आईटी सर्विसेज, फोटोग्राफी, मूविंग, कोई सामान वगैरह आपने शिफ्ट करवाना हो, तो इसी तरह इसकी 13 कैटेगरीज हैं। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हर कैटेगरी का बंदा मौजूद है। तो जस्ट आपने जो है अपनी डिमांड डालनी है कि मैंने दो घंटे काम करवाना है, सफाई करवानी है, कुकिंग करवानी है, प्लम्बर चाहिए, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए आपने अपनी डिमांड डाल देनी है, इतने पैसों में मैंने ये काम करवाना है। तो वो नीचे आपसे खुद कॉन्टेक्ट करें। आपने कभी घर में काम करवाना होता है, कुछ भी करवाना है, कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है, प्लम्बर चाहिए होता है, सफाई के लिए चाहिए होते हैं, या कोई आपको कुकिंग के लिए कोई बंदा चाहिए होता है, तो वो आप जो है थोड़ी देर के लिए चाहिए होता है, लेकिन वो डिमांड आपसे ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने जो काम करवाना है उसकी सारी डिटेल लिख के, और आपने अपनी पेमेंट लिख देनी है कि मैंने इतने पैसों में ये काम करवाना है। तो उसके बाद आपको जो है ना लोग खुद रिप्लाई करेंगे, जी मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं, और वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। तो उसमें से आपने खुद सिलेक्ट कर लेना कौन सा बंदा आपको सूट करता है, या कौन सा बंदा आपको अच्छा लगा है जो बेहतर काम कर सकता हो। तो उसमें से जो भी जो आपको ऑफर आएंगी, कि अगर कुछ लोग ऐसा है वो कम में भी करने को तैयार हो जाएंगे,
तो ये बेनिफिट जो है अब आवाम को हासिल है, आम लोगों को ये बेनिफिट हासिल है कि वो अपनी मर्जी के पैसों के अंदर जो है वो काम करवा सकते हैं। अगर एक बंदे ने 500 में करवाना है तो 500 में हो जाएगा। मुख्तलिफ जो है लोग अपनी ऑफर्स दे देंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ इससे पहले जो है अगर आप खुद जाते थे कहीं भी ढूंढने किसी मजदूर को, किसी मिस्त्री को, तो वो आपको उनकी डिमांड के मुताबिक जो है फिर चलना पड़ता। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आप किसी बंदे को बुलाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो उसके नीचे आपके एक ऐड के नीचे काफ़ी सारे बंदे जो है अपनी ऑफर्स देंगे, तो आप उन लोगों की पहले प्रोफाइल चेक करेंगे, आपको जिसकी प्रोफाइल बेहतर लगेगी तो आप उसको जो है ना हायर कर लेंगे अपने काम के लिए, आप उसको बुला लेंगे। और इसके अलावा ये जो टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं या कारीगर लोग जो होते हैं, ये आपको दुकानों पे मिलते हैं या ये फ्रीलांसर काम करते हैं। मजदूर वगैरह तो आपको चौक वगैरह से मिल जाते हैं, चौकों में अक्सर होते हैं, क्योंकि वो कोई टेक्निकल काम नहीं जानते, कोई टेक्नीशियन वगैरह वो नहीं होते, तो उनके पास कोई और ज़रिया नहीं होता मजदूरी के अलावा। तो ये टेक्निकल लोग जो हैं इनको किसी वक्त ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक जो है उनके लिए भी बाइज्जत तरीका हो गया है कि आपके लिए भी, कि आप उनको इज़्ज़त से बुलाएं आपके थ्रू और वो भी इज़्ज़त से आए काम करके चले जाएँ। तो ये सब के लिए एक बेनिफिट हो गया है। इस बंदे को बुला रहे हैं हम जानते नहीं हैं इसको कैसे बुलाएं, तो ऐप के ऊपर पहले पूरा अपना डेटा डालता है, तो उसकी ऐप के ऊपर सारी मकसद अपनी डिटेल देता है, तो उसके बाद वो वहाँ पे रजिस्टर होता है, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है ऐप के अंदर, क्वालिफिकेशन है या क्या मकसद है, क्या उसकी स्किल्स क्या है, वो ई मेल फ़ोन नंबर सब कुछ जो है उसको डालना पड़ता है, नाम वगैरह, तो उसके बाद वो रजिस्टर्ड होता है, तो उसके बाद ही जो है वो वर्क कर सकता है। तो चूज़ तो आप नहीं करना है, कहीं आपको ऑफर उसमें आएगी जो बंदा आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप उसको बुला लें। कोई अच्छी चीज़ हो तो वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए लोग, ताकि उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया, और लिंक मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।